टेस्ट क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग में इसका क्या उपयोग है, किसी भी प्लांट की रियल वैल्यू पता करने के लिए, ठीक है, उस प्लांट का ब्रीडिंग बिहेवियर पता करने के लिए। ब्रीडिंग बिहेवियर से मतलब है कि वो प्लांट होमोजाइगस है या वो प्लांट हेटरोजाइगस है, ये पता करने के लिए हम लोग प्रोजेनी टेस्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिखो कि भाई ये जो प्रोजेनी टेस्ट है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इसका एक तो यूज़ है रियल वैल्यू ऑफ प्लांट, किसी भी प्लांट की रियल वैल्यू पता करने के लिए। दूसरा, किसी भी प्लांट का ब्रीडिंग बिहेवियर जानने के लिए। ब्रीडिंग बिहेवियर से मतलब है कि वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है। जैसे एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लो कि कोई एक प्लांट है और वो टॉल है, ठीक, कोई प्लांट है और वो कैसा है, टॉल है। तो भाई ये प्लांट देखने में कैसा है, टॉल, मतलब ये तो हो गया इसका फीनोटाइप जो हम लोग देख सकते हैं। कोई भी इंसान होगा वो देख के बता देगा कि भाई ये टॉल है या ड्वार्फ है। अब अगर आपको थोड़ी बहुत भी जेनेटिक्स की नॉलेज हो तो आप जानते हो कि ये टॉलनेस के लिए दो प्रकार के जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है ये टॉलनेस कैपिटल टी से हो सकता है ये टॉलनेस कैपिटल टी स्मॉल टी से हो। ये क्या है इसके जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब इसका जीन, ठीक है। हो सकता है ये टॉलनेस कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस जीन की वजह से हो सकता है ये कैपिटल टी स्मॉल टी माने के हेटरोजाइगस जीन की वजह से हो। अब हम लोग तो सिर्फ फेनोटाइप को देख सकते हैं, जीन तो उसका देख नहीं सकते। अगर कोई प्लांट हमें दिख रहा है कि ये टॉल है तो हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि भाई ये टॉल है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, क्योंकि जीनोटाइप को तो कोई भी नहीं देख सकता, साइंटिस्ट क्या कोई भी नहीं देख सकता जीनोटाइप को। तो कैसे पता करोगे कि ये टॉल प्लांट होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, इसका ब्रीडिंग बिहेवियर क्या होगा। इसके लिए यूज़ करते हैं हम प्रोजेनी टेस्ट। कैसे यूज़ करोगे, देखो कैसे पता लगाओगे। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो पॉसिबिलिटी है। एक मान के चलो कंडीशन वन, पहली कंडीशन में मान के चलो कि ये जो प्लांट है वो कैपिटल टी की वजह से टॉल है, ठीक। एक दूसरी कंडीशन ले लो, दूसरी कंडीशन में मान के चलो कि ये जो प्लांट है वो कैपिटल टी स्मॉल टी से, ठीक है। अभी हमको पता नहीं है कौन है, कुछ भी हो सकता है। अब कैसे पता लगाएं, यहाँ पर सिंपली ये जो प्लांट है इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई जाए। क्या कराई जाए इसका, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब इसका क्रॉस इसी के साथ कराया जाएगा। अब यहाँ पर होमोजाइगस है, ये कैपिटल टी। अब हमको नहीं पता, अगर ये होमोजाइगस हुआ तो यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम नहीं करेगा, ये एक प्रकार का गैमिट बनाएगा, ये भी एक ही प्रकार का गैमिट बनाएगा, ये दोनों गैमिट आपस में फ्यूज होंगे, ठीक, और क्या बनाएंगे, कैपिटल टी, जो कैसा होगा, टॉल होगा। मतलब जितने भी प्लांट इस जनरेशन में होंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। एक दूसरी कंडीशन, हो सकता है कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, इसका भी क्रॉस सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा, मतलब इसका क्रॉस भी इसी प्लांट के साथ होगा। तो यहाँ पर कैसा है, हेटरोजाइगस है, हमको नहीं पता, लेकिन अगर हो सकता है वहाँ पर हेटरोजाइगस कंडीशन हो तो यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करेगा, मतलब दो प्रकार के गैमिट बनेंगे, यहाँ पर भी दो प्रकार के गैमिट बनेंगे, ठीक है। फिर ये दोनों प्रकार के गैमिट चाहो तो चेकरबोर्ड मेथड से कर सकते हो, एक तरफ लिखो कैपिटल टी, एक तरफ लिखो स्मॉल टी, एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चार जीनोटाइप हमको मिले हैं जिसमें से दो एक जैसे हैं। बताओ ये कैसा होगा, टॉल होगा, सीधी सी बात है। ये भी कैसा होगा, ये भी टॉल ही होगा, और ये प्लांट भी टॉल होगा, लेकिन ये प्लांट होगा कैसा, ड्वार्फ। ये प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ। अब आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हो, मतलब आपको एक साल का समय लगेगा इस प्रोजेनी टेस्ट में। कितना टाइम लगता है, एक साल का, पूरा एक साल का समय इसमें लगेगा। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि अगर F2 जनरेशन में
आप देखोगे कि सभी प्लांट अगर टॉल आते हैं, कोई वेरिएशन नहीं नज़र आता, सभी प्लांट एक जैसी हाइट के हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने टॉल लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो। अगर सभी प्लांट में कोई वेरिएशन नहीं है, सभी प्लांट बिल्कुल हूबहू एक से सिमिलर हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस प्लांट का जीनोटाइप कैसा होगा, होमोजाइगस। कोई वेरिएशन नहीं आया, सभी टॉल हैं। अगर उस प्लांट में एक प्लांट ड्वार्फ आ गया, रेशो अगर 3:1 का निकला, यहाँ पर रेशो क्या आ रहा है, 3:1। अगर हमने देखा कि F2 जनरेशन में कुछ प्लांट हमको ड्वार्फ नज़र आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम 100% श्योर कह सकते हैं कि वो जो प्लांट है वो कैसा रहा होगा, हेट्रोजाइगस, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, प्रोजेनी टेस्ट। आगे बात समझ में, तो इस प्रोजेनी टेस्ट में कम से कम 1 साल का समय लगता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इसका क्रॉस कराएंगे, पूरा एक सीजन जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर उनको हम फिर से ग्रो कराएंगे, तब पता चलेगा कि वो प्लांट होमोजाइगस था या वो प्लांट हेट्रोजाइगस था। ये जो कंसेप्ट है ना प्रोजेनी टेस्ट का, ये कंसेप्ट एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम है विल मॉरिन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए इस प्रोजेनी टेस्ट को विल मॉरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है, विल मॉरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है, या फिर सिंपल विल मॉरिन प्रिंसिपल भी हम कह सकते हैं। आ गई बात समझ में, प्रोजेनी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब याद करो, मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने टोटल 32 वैरायटी कलेक्ट की थी मटर की, और उन मटर की 32 वैरायटी पर उन्होंने प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट किया था। उस प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस क्या था, होमोजाइगस वैरायटी प्राप्त करना, और उन 32 में से 22 वैरायटी उनको होमोजाइगस मिली थी। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, ये प्रोजेनी टेस्ट ही किया था, लेकिन तब उनको पता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ उसको प्रोजेनी टेस्ट कहते हैं। एक्चुअल में ये जो प्रोजेनी टेस्ट का कंसेप्ट है, ये विल मॉरिन ने दिया, ठीक है। इसलिए इसको विल मॉरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल और विल मॉरिन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। याद करने वाली चीज़ें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सिर्फ 3-4 ही हैं। पहला कि इससे पता क्या करते हैं हम, रियल वैल्यू ऑफ द प्लांट, या फिर कहो वॉर्थ ऑफ द प्लांट, वॉर्थ ऑफ द प्लांट, उस प्लांट की रियल वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ठीक है। और दूसरा ब्रीडिंग बिहेवियर पता करते हैं, 2 क्वेश्चन ये बन सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आता है इस साइंटिस्ट के नाम से, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस प्रोजेनी टेस्ट में याद रखनी है। कम से कम 1 साल का समय प्रोजेनी टेस्ट में लगता है, ठीक।